हेलो एवरीवन, वेलकम टू लक्ष्य एयर फोर्स। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल देख लिया है, फिजिक्स का T20, तो इसमें मैं 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करूंगा आपके एग्जाम के रिगार्डिंग, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक गोलाकार ग्रह से पलायन वेग VE है, यानी कि एस्केप वेलोसिटी दी गई है। एक अन्य ग्रह के संगत जिसकी रेडियस 2 गुनी है तथा जिसकी डेंसिटी 1/2 है, उसका जो एस्केप वेलोसिटी है वो क्या होगा। यूजुअली क्या होगा कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के मन में आएगा कि वो रिमेन सेम, क्योंकि पलायन वेग किसी पे डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि ये हमने रट तो लिया है किसी पे डिपेंड नहीं करता है। लेकिन अगर अंडरस्टैंडिंग इस चीज़ की नहीं है तो यू आर रॉन्ग। आपको क्या करना है, इसकी समझ बनानी है कि किस तरह से ये वर्क करता है, क्या फॉर्मूला होता है, कैसे ड्राइव होकर आता है, तो इसको ध्यान से समझना। आई नीड योर 100% कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, तो जो एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है, VE इज इक्वल टू होता है 2g अगर उसके मास के टर्म में लिखें अपॉन आर। बट जो 2g है, gme बराबर होता है gre स्क्वायर, तो इसको हम क्या लिख लेते हैं, 2gre स्क्वायर। तो ये re कट के वो ड्राइव होके आता है, वो अलग बात है, लेकिन फिलहाल हमें उसके किस पे डिपेंड कराना है, उनके घनत्व पे और उसकी त्रिज्या पे, मास पे डिपेंड नहीं करता है। ये आप लोग लिख लो, इसमें मास रहता है बट ये मास पे डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि gme बराबर होता है gre स्क्वायर। तो gre स्क्वायर जैसे ही रखते हैं और नीचे से re कट जाता है तो 2GRE √2GRE फॉर्मूला निकल के आता है, तो मास पे डिपेंड नहीं करता है, ये तो एक बात हो गई। अनदर थिंग ये कि 2gm/r, यहाँ पे अब हमें अगर उसमें घनत्व चाहिए तो जो एक बार देख लो, द्रव्यमान बराबर क्या होता है, 4/3 πr³ × घनत्व। ठीक है, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, आयतन का इंटू घनत्व हो जाएगा, यानी कि हम ये लिख सकते हैं 2gm की जगह पे लिख सकते हैं 4/3, ये वो आयतन का सूत्र हो गया, 4πr³ × ρ, इस तरह से लिख सकते हैं। अपॉन में नीचे r है तो r से ये एक r ख़त्म हो जाएगा, तो जो इस फॉर्मूले से ड्राइव होके आएगा वो क्या आएगा, r बाहर आ जाएगा, क्योंकि r एक स्क्वायर बचा और रूट के बाहर आएगा, तो एक r बाहर आ जाएगा, रूट के अंदर बचेगा 8/3, क्योंकि 4 × 2 = 8 होगा, 8/3 πg × ρ, यानी कि रो होगा स्क्वायर रूट के अंदर और आर होगा बाहर। तो फाइनली हम लिख सकते हैं कि क्या लिख सकते हैं, VE इसको डैश कह दो, अपॉन VE जो इनिशियल वाला है उसको VE अपॉन r′/r, यानी कि r तो बाहर निकल आया था बट जो डेंसिटी घनत्व था वो उसके अंदर था, यानी कि ρ₁, इसको डैश कह दो और इसे रो कह दो, तो ये डैश मतलब जो हो गया है। अब देख लो, रेडियस 2 टाइम्स हुई है तो यहाँ पे 2r लिख सकते हैं, इनिशियल r थी, इंटू अब जो उसका घनत्व है वो आधा हुआ है, यानी कि इसको हम हाफ कर दें और इसको रो ही रखें और ये अंडर रूट, तो ये आर से आर कट हो गया, 2, ये घनत्व से घनत्व कट जाएगा, 1/√2 बचेगा, 1/√2। तो अब √2 का ऊपर नीचे गुणा अगर हम कर दें तो ये √2 और 2 बन जाएगा, 2 से कट जाएगा, यानी कि √2 टाइम्स हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन √2 टाइम्स दिख रहा है, VE का √2 टाइम्स, ए सही हो जाएगा। अब आपको समझना ये है कि मास पे डिपेंड नहीं करता है लेकिन उसके रेडियस पे। अब एक क्वेश्चन अगर घुमा के दे दे कि पृथ्वी की त्रिज्या, तो पृथ्वी की त्रिज्या पे या पृथ्वी के मास पे या पृथ्वी के उस पे कोई किसी भी चीज़ पे डिपेंड नहीं करता है, उस पर्टिकुलर आपके जो ग्रह है उसकी त्रिज्या पे और उसके घनत्व पे इस तरह से पलायन वेग निर्भर करता है। और एक रिलेशन पूछा जाता है ऑर्बिटल वेलोसिटी और एस्केप वेलोसिटी में, तो वो अगर हम ऑर्बिटल वेलोसिटी में √2 का गुणा कर दें तो वो ऑर्बिटल एस्केप वेलोसिटी बन जाती है। ठीक है, ये रिलेशन भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, सेकंड नंबर क्वेश्चन, साबुन के एक बुलबुले की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर से बढ़ाकर 5 सेंटीमीटर करने में किया गया कार्य क्या होगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। तो कभी भी इस तरह से क्वेश्चन आ जाए कि उसकी रेडियस को 3 सेंटीमीटर से इंक्रीज करके 5 सेंटीमीटर करने में जो वर्क डन हुआ है वो अगर निकालना हो तो एक बार आप लोग ध्यान से समझ लेना उसका प्रोसेस। ठीक है, जो वर्क रहेगा उसका फॉर्मूला तो ये रहेगा, जो चेंज इन एरिया यानी कि ∆A×T, यानी कि जो पृष्ठ तनाव रहेगा वो। लेकिन याद ये रखना है, एरिया का चेंज क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल, तो 4π, एरिया क्या होता है 4πr² लेकिन फाइनल हम r2 मान लें तो r2² माइनस इनिशियल क्या हो जाएगा, 4πr₁². तो ये फाइनल माइनस, ये तो चेंज इन एरिया हो गया ∆T। लेकिन आपको याद रखना है कि अगर साबुन का बुलबुला है तो यहाँ पे उसकी साबुन की 2 लेयर होती हैं, 2 का गुणा करना है। अगर नॉर्मल अगर पानी की बूंद होता, पानी का बुलबुला होता, उसको बढ़ाकर इतने से इतना, तो इस तरह से करते, लेकिन अगर साबुन है तो केवल 2 से एक्स्ट्रा गुणा कर देना है आपको ∆T। अब ईच वैल्यू आपको गिवन है, r2 कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर यहाँ पे, और r1 कितना है
तीन तीन सेंटीमीटर इनिशियल तीन थी, तीन रखेंगे यहाँ पे और टी की वैल्यू दी गई है, आप फर्दर सॉल्व कर लेंगे। आपको जो कीप इन माइंड जो थिंग है वो ये है कि अगर साबुन का है तो यहाँ पे दो रखना है, फर्दर कैलकुलेट आप लोग कर लेना, ठीक है, इस तरह से कर लेना। एट पाई आप बाहर कर लो, फोर पाई बाहर है और टू पहले से है तो एट पाई बाहर आ जाएगा। अब आर टू का स्क्वायर यानी कि फाइव का स्क्वायर माइनस आर वन का स्क्वायर कितना हो जाएगा, थ्री का स्क्वायर इंटू, अगर उसका जो वो है वो भी बाहर कर लो तो 10 की घात माइनस 4 हो जाएगा, ठीक है, सेंटीमीटर से मीटर, तो इस तरह से आपका आएगा। फिर आप मिली जूल और जूल का कन्वर्जेशन वो आप देख के कर लेना, ठीक है, जो आपको समझाना था वो मैंने बता दिया, कैलकुलेटिव पार्ट छोड़ दिया है, ठीक है, अगर बताना कोई प्रॉब्लम है इसमें भी। नेक्स्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऊष्मागतिकी का कौन सा नियम, जो तीन लॉ है उसके उसमें कौन सा नियम है जो गर्म स्रोत से ली गई संपूर्ण ऊष्मा को कार्य में परिवर्तित करना असंभव है, कौन से लॉ के द्वारा। अगर आपको सभी लॉ पता है ऊष्मागतिकी के तब तो आप इसे इजीली कर लोगे। मैं एक बार रिवाइज करा दूं फिर से, आपका क्या होता है, शून्यवा नियम होता है कि अगर दो वस्तुएं हैं और ये किसी तीसरी वस्तु से अलग अलग तापीय साम्य में है, मतलब ये भी इससे टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है, इससे इसका भी कॉन्स्टेंट है, तो ये दोनों आपस में भी तापीय साम्य में होंगी, ये होता है शून्यवा नियम। प्रथम नियम क्या होता है, पूछा जाता है कि कौन सा नियम आंतरिक ऊर्जा वाला होता है, तो वो प्रथम नियम होता है, क्या होता है, क्यू इज इक्वल टू होता है डेल्टा यू प्लस डब्लू। अगर किसी भी उसको दी गई ऊष्मा जो होती है पूरी पूरी वर्ग में बदल के डेल्टा यू में भी उसका कुछ चेंजमेंट हो जाता है, ठीक है ना, तो पूरा वर्ग में ना बदल के थोड़ा डेल्टा यू भी हो जाता है, तो इस तरह से ये ऊष्मागतिकी का सेकेंड नियम हुआ है, ठीक है। और जो ऊष्मागतिकी का थर्ड नियम होता है, जो सेकेंड नियम होता है, वो कहता है ये दो नियम तो हो गए, अगर आंतरिक ऊर्जा वाला कहते तो वो प्रथम नियम हो गया, और जो शून्यवा नियम हो गया वो मैंने बता दिया अलग अलग तापीय साम्य में। जो थर्ड नियम होता है, जो द्वितीय नियम होता है, वो यही होता है जो इसमें लिखा हुआ है। वैसे मैं बता दूं क्या होता है वो लॉ, ये होता है कि अगर टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है, ठीक है, तो लो टू, मतलब अगर बाहर से कोई एफर्ट ना लगाया जाए तो लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर वाले में जाना पॉसिबल नहीं है, वो आप गूगल से करके भी पढ़ सकते हो, लेकिन फिलहाल यहाँ पे देख लो, अगर संपूर्ण ऊर्जा कार्य में परिवर्तन करना असंभव होता है वो द्वितीय नियम होता है, याद रखना, ठीक है। कई बार पूछा भी गया है, किसी गैस के अणुओं की त्रिज्या आर हो तो उनके माध्य मुक्ति पथ यानी कि मीन फ्री पथ जो होगा वो किसके इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, आर त्रिज्या के लिए, किसी अगर गैस के मॉलिक्यूल्स की जो रेडियस है वो आर है तो आपको बताना है। तो जो मैं आपको बता दूं, जो माध्य मुक्ति पथ का वो होता है फॉर्मूला, वो क्या होता है, 1/π d² n, यानी कि उसके जो उसका जो डायमीटर होता है उसके वर्ग के, अगर डायमीटर को ही त्रिज्या मान सकते हैं क्योंकि इसको हम आर बटे दो लिखेंगे, तो यानी कि ये r² के इनडायरेक्टली हो गया। लेकिन कभी कभी पूछा जाता है कि प्रेशर में और माध्य मुक्ति पथ में क्या रिलेशन होता है, कभी पूछा जाता है टेम्परेचर में क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं जो उसके टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ये लैम्प, ठीक है, माध्य मुक्ति पथ, और कई बार पूछा गया है नेवी में, और जो ये होता है माध्य मुक्ति पथ वो प्रेशर के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, प्रेशर के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है, ये दो बातें भी याद रखना, मैं बता दूं ड्राइव करके, अदरवाइज आपको कंफ्यूज रहोगे। तो जो पी वी इज इक्वल टू होता है वो KNT होता है, KNT, तो यहाँ से n इज इक्वल टू क्या होता है, n अपॉन v, यानी कि p/KT हो जाएगा। तो इसको अगर फाइनली ड्राइव करके हम लोग लिखेंगे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, लेमडा इज इक्वल टू KT/√2π, जो 12th में डेरिवेशन किया था वो इस तरह से आया था, यानी कि टेक की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है माध्य मुक्ति पथ, और प्रेशर के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और r² के वर्ग के, ठीक है, क्योंकि डायमीटर को हम r/2 लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में क्या कॉन्स्टेंट रहता है, विच इज कॉन्स्टेंट इन सरल आवर्त गति, प्रत्यानयन बल, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा या आवर्तकाल। तो जो सरल आवर्त गति में जो कांस्टेंट रहता है वो आवर्तकाल रहता है, क्योंकि, और आपको बता दूं, पूछा जाता है कि सिंपल पेंडुलम का जो आवर्तकाल होता है वो 2 सेकंड होता है, ठीक है, ये भी आप लोग याद रखना, पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका प्रभाव ध्वनि की चाल पर नहीं पड़ता, यानी कि कौन है जो ध्वनि की चाल पर इफ़ेक्ट नहीं डालता। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि जो ध्वनि की चाल होती है वो डेंसिटी की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, जो मीडियम जितना डेंस होगा उसमें उतनी अधिक होगी, जैसे लोहा ले लो और स्टील ले लो, तो लोहा अधिक डेंस होता है तो लोहे में ध्वनि की चाल स्टील की कंपैरेटिवली अधिक होगी, ठीक है, सबसे पहली बात तो ये है। और इसके लिए क्या होता है कि जो नहीं
जो प्रेशर होता है उसका कोई इफेक्ट नहीं होता, टेम्परेचर का होता है, आर्द्रता का होता है और एयर की स्पीड का, सबका होता है, बट जो प्रेशर का होता है उसका कोई इफेक्ट नहीं होता है, एकदम से याद रखना है, ठीक है। आज का इसके सेट का 7th क्वेश्चन है कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख लेना, प्रोबेबिलिटी है कि ये आ सकता है, क्योंकि जब अभी जो रिसेंटली नहीं इसके प्रीवियस जो डबल ए एग्ज़ाम हुआ था वो एक स्टूडेंट्स मेरा क्लोज था, उसने आके बताया था कि लाइक दैट इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था, तो उसी तरह से ये फ्रेम किया गया है, तो ये आप लोग इजी है, लेकिन देखना ध्यान से। आवृत्ति 500 हर्ट्ज की ध्वनि तरंग प्लस एक्स एक्सिस से 300 मीटर पर सेकेंड से चल रही हैं, बिंदुओं एक्स टू और वाई टू के बीच कलांतर यानी कि फेज डिफरेंस है वो 60 है, तो उनके बीच की न्यूनतम दूरी है। इनडायरेक्टली अगर देखा जाए तो ये पाथ डिफरेंस पूछ रहा है, फेज डिफरेंस देके, ठीक है, और इस तरह से दे दिया। आप सबसे पहले हर्ट आवृत्ति और वी दी गई है, तो वी बराबर होता है एन लेमडा होता है, तो यहाँ से अगर हम देखें तो लेमडा क्या हो जाएगा, वी अपॉन एन, यानी कि वी कितना है 300, अपॉन एन कितना है 500, तो जो आपको तरंग दैर्घ्य है वो कितनी मिल गई, सिंपली 3/5। अब तरंग दैर्घ्य मिल गई 3/5। अब मैंने बताया था जो रिलेशन बताया था बहुत इंपॉर्टेंट है, जो फेज डिफरेंस होता है वो 2π अपॉन लेमडा यानी कि तरंग दैर्घ्य इंटू पाथ डिफरेंस होता है। अब आप सिंपली कर लोगे, बस आपको कन्फ्यूज नहीं होना है इस फॉर्मूले में, ये रट लेना, क्योंकि बहुत कन्फ्यूजन हो जाती है, डेल्टा एक्स इधर कर देते हैं लड़के, लेकिन आपको याद रखना है। तो यहाँ पे हम डेल्टा इसकी जगह पे कितना लिख सकते हैं π/3, क्योंकि दिया गया 60, 60 को π/3 लिख सकते हैं इंटू 2π अपॉन लेमडा, लेमडा अपन ने कितना निकाला था अभी 3/5, तो 5 ऊपर चला जाएगा इंटू पाथ डिफरेंस, ये डेल्टा एक्स हमें फाइंड करना है, पाई से पाई कट जाएगा, तो इस तरह से इसको हम सॉल्व कर लेंगे, तो कितना आया, तो ये पाई से पाई कट गया, तो ये 5 × 10 यानी कि 1/10 आया मीटर, क्योंकि ये अभी मीटर में आएगा, क्योंकि ये चाल मीटर पर सेकंड में थी, तो 1/10 मीटर को हम कितना लिख सकते हैं 10 सेंटीमीटर लिख सकते हैं ना, क्योंकि इसको हम इस 100 से डिवाइड करेंगे तभी तो मीटर में बदलेगा, तो 10 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि डॉपलर इफेक्ट से है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अगर कॉन्सेप्चुअली आप स्ट्रांग होंगे तो आप कर देंगे, अगर डॉपलर इफेक्ट वाला जो मैंने वीडियो बनाया है वो देखा होगा तो इजीली हो जाएगा। एक जो स्रोता है, एक जो सोर्स है, वो ध्वनि स्रोत यानी कि देखो जो स्रोत होता है यानी कि जो सोर्स होता है, और स्रोता मतलब ऑब्जर्वर, अगर ध्वनि स्रोत के सापेक्ष स्थिर क्या है, स्रोता स्थिर ध्वनि स्रोत यानी कि ध्वनि स्रोत स्थिर है, सोर्स स्थिर है, किस दिशा में वेग से चले कि स्रोत की आवृत्ति दोगुनी सुनाई पड़े। तो देखो सबसे पहली बात तो ये है कि उसकी ओर आ रहा होगा, दूर जाएगा तो उसे कम हो जाएगी फ्रिक्वेंसी यानी कि उसके पास आ रहा है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका सिंपली अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप कर लोगे, क्या होता है एन डैश यानी कि जो आभासी आवृत्ति होती है वो एन वी प्लस ध्वनि की चाल अपॉन वी, यही होता है। तो अब अगर हम इसको ध्वनि की चाल के बराबर रख दें यानी कि यहाँ पे भी वी रख ध्वनि की चाल रख दें ऑब्जर्वर की जो वेलोसिटी है, तो फिर यहाँ से 2v हो जाएगा ऊपर, तो 2v से नीचे वाला वी कट जाएगा, तो सिंपली वी बचेगा, वी कट जाएगा तो 2 बचेगा यानी कि 2 times आवृत्ति हो जाएगी, यानी कि सेटिस्फाइड हो गया दूसरा ऑप्शन यानी कि ध्वनि की चाल से पास आ रहा हो, ध्वनि की चाल से ऑप्शन नंबर ए ध्वनि की चाल से स्रोत की ओर आ रहा हो, दूर नहीं जा रहा हो, ओर आ रहा होगा, तो इस वाले फॉर्मूले में रख के सिंपली कर लोगे, तो डॉपलर इफेक्ट वाला वीडियो जाके आप लोगों को देख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, क्रिटिकल एंगल 45 है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताना है, सिंपल आपका फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, आ जाते हैं तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। क्या होता है फॉर्मूला, फॉर्मूला होता है आई थिंक जो एन होता है वो होता है 1/sin c यानी कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो क्रिटिकल एंगल के साइन के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो 1/sin 45 का मान 1/√2, तो √2 ऊपर जाएगा तो √2 आपका अपवर्तनांक आ जाएगा, ठीक है, ये सिंपल था बट इम्पॉर्टेंट था। नेक्स्ट है वाई टेम्परेचर जिस पर बर्फ पानी और बाष्प तीनों संतुलन में रहते हैं क्या होता है, तो वो क्रांतिक बिंदु नहीं होता है, वो त्रिक बिंदु होता है, कन्फ्यूज़ नहीं होना है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन ईजी टू मॉडरेट था। वेग प्रवणता का विमीय सूत्र बताना है किसी भी चीज़ की, मैं आपको एक बात बता दूं, किसी भी चीज़ की प्रवणता लगा दे, अगर मान लो वो दाब प्रवणता कह दे, कई बार कह देता है, तो बस आप सिंपली दाब का फॉर्मूला लिखो, उसमें दूरी से भाग दे दो वो प्रवणता। अब जैसे वेग प्रवणता है तो वेग का फॉर्मूला क्या होता है, मीटर पर सेकेंड यानी कि LT^-1, अब दूरी का एल से डिवाइड कर दो तो T^-1 यानी कि ए हो जाएगा। मान लो प्रेशर की पूछ दे दाब प्रवणता, तो दाब का लिख दो, दाब का क्या होता है फोर्स अपॉन एरिया, और फोर्स का क्या होता है M L T^-2, एरिया का होता है L² तो यहाँ से जाएगा M
एल की पावर माइनस वन टी की पावर माइनस टू हो गया, ये काय का हुआ, ये हुआ दाब का, अपरिवर्तता का निकालना है तो दूरी से भाग कर दो, तो एम एल की पावर माइनस टू टी की पावर माइनस टू, यानी कि जो एनर्जी का होता है वही दाब प्रवणता का भी होता है, ठीक है। तो इस तरह से प्रवणता वेग प्रवणता का फॉर्मूला निकलता है। देखो जो सेमीकंडक्टर होते हैं ट्रांजिस्टर वाले फॉर्मूले डिराइव होते हैं, तो उसमें अल्फा और बीटा में रिलेशन कई बार पूछा गया है, जो एग्जाम प्रीवियसली एक दो दे चुके होंगे उनको ये चीज़ पता होगी, तो मैं आपको सभी रिलेशंस बता दे रहा हूँ, तीन होते हैं तो उनसे आप डिराइव करके निकाल सकते हैं। जो पहला होता है अल्फा इज इक्वल टू होता है बीटा अपॉन वन प्लस बीटा, ठीक है, अल्फा इज इक्वल टू होता है बीटा अपॉन वन प्लस बीटा। एक होता है बीटा इज इक्वल टू होता है अल्फा अपॉन वन माइनस अल्फा, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आप लोग। नेक्स्ट होता है वन माइनस अल्फा, एक कोष्टक में वन माइनस बीटा इज इक्वल टू वन, तीनों होते हैं। अब देख लो कौन से वाले से मैच हो रहा है, अगर हम इसमें देखें तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करें दूसरे वाले में, तो अल्फा आ जाएगा बीटा और वन माइनस अल्फा, जो कि ऑप्शन नंबर ए आपको दिख रहा है, तीनों आप लोग बैक करके देख के स्क्रीनशॉट ले सकते हो, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ये कई बार पूछे गए हैं तो इम्पॉर्टेंट है, आपको याद रखने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर आप रिवाइज नहीं कर रहे हो प्रॉपरली तो आप इसको नहीं कर पाओगे, बहुत कन्फ्यूजन होती है मेरे भाई। एम चुंबकीय आघूर्ण के एक चुंबकीय द्विध्रुव की अच्छी यानी कि एक्सिस पर इसके मध्य बिंदु से आर दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा। एक होता है निरक्षीय स्थिति वाला, एक होता है अच्छी स्थिति वाला, तो ये कन्फ्यूज नहीं होना है। 10^-7 म्यू जीरो अपॉन 4π की वैल्यू जो होती है वो 10^-7 होती है, यानी कि ये तो वही हुआ म्यू जीरो अपॉन 4π, m अपॉन r क्यू होगा या m अपॉन r स्क्वायर होगा या 2m अपॉन r क्यू होगा या 2m अपॉन r स्क्वायर होगा। आप प्रॉपर रिवाइज नहीं कर रहे हो तो मैं आपको बता दूं, जो अच्छी स्थिति होता है उसमें होता है 2m अपॉन r क्यू, और जो निरक्षीय स्थिति में होता है उसमें होता है m अपॉन r क्यू, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अच्छी स्थिति में, ठीक है। ये एकदम से आप लोग अब रिवाइज कर डालो, टाइम बहुत कम है और पढ़ना बहुत है, मैथ्स भी पढ़नी है और इंग्लिश भी पढ़नी है, तो आप लोग पढ़ते रहो, ठीक है। दो असमान प्रतिरोध समांतर क्रम यानी कि पैरेलल में जुड़े हैं, कौन सा सही होगा। मैंने आपको एक बार ट्रिक बताई थी, मैं आपको फिर से रिवाइज करा दूं, थोड़ा फनी है। शिव जी की जो वाइफ होती हैं पार्वती जी, तो पार्वती जी SC है, ठीक है, दिल पे नहीं लेना कोई, बस याद करने के लिए पार्वती जी SC है, जनरल OBC SC होता ना, तो बस ये याद रख लो। जो पैरेलल होता है पैरेलल, उसमें V यानी कि वोल्ट यानी कि विभव वोल्टता कांस्टेंट रहती है, और SC का मतलब होता है S मतलब सीरीज क्रम यानी कि श्रेणी क्रम में, C यानी कि चार्ज आवेश कांस्टेंट रहता है, धारा कांस्टेंट रहती है, तो पैरेलल में वोल्ट और सीरीज में चार्ज, तो इसमें क्या हो जाएगा, धारा समान नहीं होगी, वोल्टता समान, यानी कि सी सही हो जाएगा अगर पैरेलल में जुड़े, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, आवेश का एक खोखला एक गोला वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं कर सकता है, जो वैसे एक खोखला गोला होता है तो वो क्या कहाँ पर नहीं कर सकता है, किसी भी इंटरनल पॉइंट पर या एक्सटर्नल पॉइंट पर या 2 मीटर से अधिक दूरी पर या 10 मीटर से अधिक दूरी पर। जो तुक्का स्पेशलिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं कि 10 सेंटीमीटर से यानी कि ये सबसे अधिक है तो यहीं पर नहीं कर पाएगा यार इलेक्ट्रिक फील्ड, ऑब्वियस बात है, और बहुत खुश हो के बाहर आते हैं एग्जाम हॉल से। बट अगर आपने नहीं पढ़ा है सही से तो आप गलत करके आए हो। मैंने बताया था प्रीवियस, बहुत बार बता चुका हूँ ये पॉइंट, कि उसके इंटरनल क्या होता है, जीरो होता है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है खोखले बेले गोले के भीतर किसी भी बिंदु पर जीरो होता है, ठीक है, तो आंतरिक किसी भी बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न नहीं किया जा सकता। और यार क्या हुआ, 2 दिन वीडियो ना आने का रीज़न है कि मैं घर चला गया था राखी पर, तो इसलिए वहाँ पे नहीं कर पाता हूँ अरेंज ये सब वीडियो बनाना, तो अब जैसे रेगुलरली आप लोगों को सभी सीरीज़ मिल रही थी वो मिलेगी, अब मैं आ गया हूँ आज से, मैं और मैं मेरा आज मूड नहीं था, लेकिन मैंने सोचा चलो 2 दिन गैप हो गया है, तो अब कल आपको रेगुलरली जैसे मिल रही थी वीडियो वो मिलती रहेंगी डेली, और मैं कोशिश करूँगा कि जैसे आपका एग्ज़ाम पास आ गया है तो और वीडियो का कंटेंट बढ़ाऊँ और वीडियो 2 कर दूँ, 1 दिन में 2 वीडियो, तो बस आप लोगों से बस एक ही सपोर्ट चाहिए होता है, केवल उससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है कि आप बस आप लोग वीडियो को एक लाइक कर दिया करो और अपने दोस्तों में शेयर कर दिया करो, ठीक है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग मुझसे जुड़ पाएँ और मुझे काम करने के लिए बहुत मोटिवेशन मिले, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप लोग स्ट्रगल करते रहिए, मैं हर बार बोलता हूँ अगर स्ट्रगल आप लोग ईमानदारी से करेंगे तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। जय हिंद।